Okay, so guys, Italy आना चाहते हो and want to know about the best and easy possible way, so इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप इटली आ सकते हैं विद मिनिमम कॉस्ट और इजी प्रोसेस से। सो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इटली आ सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, इंटर्नशिप, फैमिली रियूनियन एक्सेट्रा। बट आज के इस वीडियो में हम तीन टॉपिक्स पर बात करने वाले जो कि स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा है, जिससे आप ईजिली यहाँ पर आ सकते हो और ज़्यादातर लोग इन्हीं वीज़ाज़ पर इटली आते हैं। तो ये वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट रखें और जल्दी से जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे। तो अगर वीडियो पसंद आए एंड में तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वर्क वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो वर्क वीज़ा के लिए आना चाहते हैं इटली में। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो 2 इयर्स का डायरेक्ट आपको जो है वर्क परमिट मिलने वाला है। प्रोसेस भी काफ़ी ईजी है और अट्रैक्टिव सैलरीज मिलती है इसमें। तो इसके लिए दोस्तों 2 तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पर क्या है, कोटा सिस्टम चलता है दोस्तों। जैसे रिसेंट 2021 के कोटा सिस्टम की बात करूँ तो कोटा में ऐसा रहता है कि इतने बाहर के देश के लोगों को ये रिक्रूट करने वाले हैं अपनी कंट्री में, वीज़ाज़ देने वाले इतने। तो 2021 का जो कोटा, जिसे डिक्रेटो फ्लूसी नाम से भी जाना जाता है, वो सेट था 70,000 मेंबर्स का। तो 70,000 पीपल जो है अभी डिक्रेटो फ्लूसी 2021 कोटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर आए हैं। तो ये वीज़ाज़ उनके लिए होते हैं, उन वर्क्स के लिए होते जो फार्म्स में आना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं, फिशिंग में आना चाहते हैं, या टूरिज्म की किसी जॉब के लिए आना चाहते हैं। तो इनके लिए था। अगर आप हाईली स्किल्ड जॉब के लिए आना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस कोटे की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और आ सकते हैं। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो एज सच वर्क वीज़ा में सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि यार यहाँ पर कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको स्किल्स चाहिए जिस भी फील्ड के लिए आप आ रहे हैं, और साथ ही साथ उस फील्ड का 3 साल का तो यार मस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि विदेश में जॉब अप्लाई करो तो इतना तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से आ सकते हो ना। तरीके क्या क्या होते हैं कि यार यहाँ पर जॉब कैसे पाई जाए। अब आपके रिलेटिव तो रहते नहीं होंगे, आपके कोई फ्रेंड्स तो यहाँ रहते नहीं, तो उस केस में दोस्तों देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको यही बताता हूँ कि ऑनलाइन वेबसाइट्स जो स्क्रीन पर दिख पा रही है, इनके थ्रू आप जो है सबसे पहले जॉब फाइंड करें, कंपनी फाइंड करें। कंपनी फाइंड करने के बाद कंपनी को डायरेक्टली ईमेल करें जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सारी वेबसाइट्स है, यहाँ से अप्लाई करना। वंस यू गेट द जॉब मिलने के बाद दोस्तों आपके जो एम्प्लॉयर है वो खुद ही आपके बिहाफ पे जो है वर्क परमिट की एप्लीकेशन करेंगे इमिग्रेशन ऑफिस में। इमिग्रेशन ऑफिस में वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन जो कहते हैं फिर हमें रिसीव होता है नूला ओस्ता, इसे जनरली नो ऑब्जेक्शन कहते हैं। मतलब नूला ओस्ता कि आपके इटली में वर्क करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आपको फ्रीली आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसे ही आपका वर्क परमिट का अप्रूवल आ जाता है उसके बाद आप आपकी होम कंट्री में जो है वीज़ा की एप्लीकेशन करते हैं। नाउ इसमें कॉस्टिंग की बात करी जाए, सबसे मेन सबसे अच्छी बात मुझे इस वर्क वीज़ा में ये लगती है कि यहाँ पर आपको कोई फंड्स नहीं शो करने पड़ते। यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वर्क वीज़ा को, डायरेक्टली आते से आपकी कमाई चालू हो जाती है। अब स्टडी वीज़ा में पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। तो कॉस्टिंग की बात कर रहा था मैं। तो कॉस्टिंग देखो तरीके ये कि या तो खुद जॉब अप्लाई करके आ सकते हो या तो फिर किसी एजेंट के थ्रू। और अगर एजेंट की बात करो तो मैंने इटली का जो रेट पता किया है कुछ एजेंसी से, कंसल्टेंट से, तो वो चल रहा है 7 to 10 लाख का। तो अगर इतना अफोर्ड कर सकते हो इटली आने के लिए तो वो एजेंट्स के थ्रू भी आ सकते हो, अदरवाइज खुद भी अप्लाई करके आ सकते हो। कॉस्टिंग इसमें लिटरली 0 रुपीज़ आती, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। सिर्फ आपका जो एम्प्लॉयर वो किसी लॉयर को हायर करके जो है एप्लीकेशन करवाते हैं और उसमें भी एज सच कोई कॉस्ट नहीं आता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही एप्लीकेशन होती है। तो इस तरीके से ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपका वर्क वीज़ा। अगर आप खुद जॉब फाइंड कर लेंगे तो ये सबसे सोने पे सुहागा हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं अभी इटली के लिए। जैसे मैंने खुद ने भी अपना मास्टर डिग्री किया, मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पर ही आया था। तो बहुत सारे रीज़न से आने के लिए, जैसे कि यहाँ पर सारे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आपको ट्यूशन फीस 0 पे करनी पड़ेगी, लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, 1 ईयर का जॉब सर्च वीज़ा मिल जाएगा एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट वीज़ा पर कैसे आया जाए वो डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका 12 इयर्स का एजुकेशन होना चाहिए, मतलब आपने 12th करा हुआ हो। अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले स्टेज आपको अपना कोर्स और यूनिवर्सिटी फाइंड करनी होगी। ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटाली, यहाँ से आप अपना कोर्स और यूनिवर्सिटी फाइंड कर लेंगे। जैसे ही आपकी कोर्स और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हो जाती है उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे यूनिवर्सिटी में एंड देन वहाँ से आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आएगा विद इन 40 to 45 डेज में, और इसकी एप्लीकेशन फीस लगेगी कहीं ना कहीं आपकी 30 to 50 यूरो के आसपास। वंस यू गेट दी एक्सेप्टेंस लेटर उसके बाद आपको जो है यूनिवर्सिटली वेबसाइट जहाँ से आपने कोर्स और यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं यहीं से प्री इनरोलमेंट करना है एंड प्री इनरोलमेंट के बाद आपको जो है वीज़ा की एप्लीकेशन करनी रहेगी आपकी होम कंट्री में। तो इस तरीके से आप जो है इटली के लिए स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा में दोस्तों अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अगर कॉस्टिंग की बात करें तो मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कॉस्टिंग के ऊपर कंप्लीटली, आपका 2 से 3 लाख तक का खर्चा आता है। और अगर आप एजेंट से हायर करते हो तो वही 3 से 4 लाख तक का हो जाता है, क्योंकि 1 लाख रुपए इटली के एजेंट ज़्यादातर अभी अमाउंट चार्ज करते हैं। अच्छा, इसमें वीज़ा फंड्स भी आपको शो करने पड़ते हैं, तो इटली में यहाँ पर वीज़ा फंड्स अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो तो आपको 15 लाख रुपये शो करने पड़ेंगे, और अगर आप मास्टर करने आ रहे हो तो आपको 10.5 लाख के आसपास का अमाउंट शो करना रहेगा। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और यहीं एक हर्डल बन जाता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आप एजुकेशन लोन भी शो कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट ईजीएस्ट वे जो कि है टूरिस्ट वीज़ा, बट दिस इज जस्ट फॉर टूरिस्ट पर्पस। अगर आप घूमने के लिए आना चाहते हो, ये आपको जो शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता है अप टू 90 डेज तक का मिल सकता है। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है, इसमें 3 स्टेप्स में आपका काम हो जाता है, काफ़ी ईजी रहता है। VFS ग्लोबल से आप सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वीज़ा लेने के लिए। आप कोई भी रीज़न हो सकता है, आप घूमने के लिए आना चाहते हैं मेनली, तो उसके लिए यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे एंड देन इसके बाद आपको जो है यही डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे जिस भी डेट को आपकी अपॉइंटमेंट होगी, और सिर्फ 80 यूरोस की आपको एप्लीकेशन फीस करनी होगी और आपका टूरिस्ट वीज़ा लग जाएगा। और मैं कोशिश यही करिएगा कि आप या तो आपके पार्टनर के साथ आए, जैसे कपल्स को जल्दी यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा मिलता है। नाउ कॉस्टिंग की बात करें तो आई थिंक कि यार वीज़ा में कंप्लीट वीज़ा फीस 80 यूरोस की और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मिलाकर 10,000 तक का खर्चा आ सकता है, फ्लाइट वगैरह सब डिफरेंट होगा। वीज़ा फंड्स की बात करो तो यस, टूरिस्ट वीज़ा में आपको फंड्स शो करने पड़ेंगे जो कि समवेयर अराउंड आप शो कर सकते हैं 3 से 4 लाख के, जो कि सफिशिएंट होते हैं। तो इस तरीके से ये 3 वेज जो है जिसके थ्रू आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेटल होना है तो आई थिंक कि वर्क और जो स्टूडेंट वीज़ा है वो ज़्यादा बेटर होंगे। तो उन दोनों में से डिपेंड करता है आपका एज या आपका प्रेफरेंस किसको जाता है। अगर आपका एजुकेशन गैप ज़्यादा नहीं है तो उस केस में आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, और अगर एजुकेशन गैप ज़्यादा हो गया है तो आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो आपके पास है कॉमेंट सेक्शन, तो कॉमेंट सेक्शन में आपका कुछ भी डाउट है वो मेंशन कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।